जब पूरी दुनिया पुष्पा टू की कंट्रोवर्सी पर उलझी हुई है एंड शिव कुमार एंड अल्लू अर्जुन के बीच महायुद्ध छिड़ गया है और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा टू छोड़ दी है रूमर्स के हिसाब से, और अब डायरेक्टर किसी और एक्टर को पुष्पा बनाकर मूवी के अंदर पेश करेंगे रूमर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो इसी बीच एक्टर सूर्या एंड लॉर्ड बॉबी की अपकमिंग मूवी कंगो को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक्टर सूर्या के 48th बर्थडे पर कंगो के मेकर्स ने इसका पहला गाना निकाल दिया है जिसका नाम फायर सॉन्ग है। मैंने हिंदी में सुना, तमिल में सुना, तेलुगु में सुना। गाने का नाम फायर है तो हिंदी में फायर को अग्नि कहा जा रहा है, तमिल में निरपु एंड तेलुगु में ज्वाला। और अगर बात करें इस गाने की तो देवश्री प्रसाद उर्फ DSP का ये गाना है। तो गाना ठीक है, एनर्जेटिक है, लेकिन ये गाना मेरे को एक हिट मूवी का गाना नहीं लगता है। DSP का ये श्रीवली गाना बाहर कितनी तगड़ा हिट हुआ था, कितनी रील्स बनी थी, कितनी मीम्स बनी थी उसके ऊपर, और जैसे भी रिसेंट में तौबा तौबा कितना चल रहा है और पिक्चर भी कितनी सही चल रही है। तो किसी भी मूवी को हिट करने में गाना काफी बड़ा रोल प्ले करता है, आप सॉन्ग्स को हल्के में नहीं ले सकते। ये गाना मेरे को नॉर्मल सा ही लगा, लिरिक्स वगैरह ठीक ठाक थे, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं थे, नॉर्मल थे। और अगर हाइप की बात करें तो ये गाना इस मूवी की हाइप बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। जैसी थी मतलब अच्छी थी, इसकी हाइप बहुत तगड़ी थी, वैसे ही है अभी भी, कोई बहुत ही बड़ा उछाल नहीं आ जाएगा इस गाने के बाद। और यहाँ पर हमें सूर्या के बहुत सारे शॉट्स दिखाई देते हैं, ऐसे एनिमेशन वाले, जहाँ के शॉट्स ऐसे काफी कूल लग रहे थे, और रियल शॉट्स भी हम यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि बढ़िया थे। ऐसे सूर्य वहाँ पर अपना हॉक स्टेप दे रहे थे, सही लग रहे थे काफी डेंजरस से ऐसे। और कंगो के मेकर्स यहाँ पर वही गलती कर रहे हैं जो कि मिर्जापुर 3 के मेकर्स ने किया, भाई यहाँ ब्रह्मास का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जानता हूँ सॉन्ग है, लेकिन अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो उसका आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। भले ही उनका एक शॉट दिखा देते लेकिन दिखाना जरूरी था। और भाई मैं कह रहा हूँ अगर लॉर्ड यहाँ पर दिख जाते तो अभी तो गाना मेरे अकॉर्डिंग 10 out of 5 है, आफ्टर सीइंग लॉर्ड ही गाना मेरे हिसाब से 7 हो जाता। बट कोई बात नहीं, टीजर और ट्रेलर आने दो, बस एक बार आने दो, बस गलती से आने दो, बस आ जाने दो, उसके बाद देखना इस मूवी की हाइप 100x बढ़ जाएगी। वहां पर इसके मेकर्स कोई भी गलती नहीं करेंगे, पैन इंडिया मूवी है, कोई मजाक नहीं है, बिकॉज एक्टर सूर्या स्क्रिप्ट से लेटर के बादशाह हैं। टीजर और ट्रेलर से हमें काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, बस उम्मीद पर खरा उतर जाए, मजा आ जाएगा। और भाई यार इमेजिन करने में काफी सही लग रहा है, मूवी के अंदर हमें फ्यूचर एंड पास्ट का कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा, आज से 1000 साल पीछे कहानी, 1000 साल पहले क्या कुछ था, और आज से 50 साल आगे कहानी। मूवी का फ्यूचर मेरे को काफी ऐसे ब्राइट लग रहा है, सूर्या है, लॉर्ड बॉबी है, कॉन्सेप्ट ने दम है, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ने वाली मूवी। वैसे आप अपने ओपिनियन बताइए मूवी के बारे में, एंड अगर इस सॉन्ग को आपने सुन लिया तो उसके बारे में आप बताइए यहाँ पर कि आपको ये गाना कैसा लगा। मेरे को एवरेज लगा, ठीक था, मतलब कोई ऊपर भी नहीं था नीचे भी नहीं था। और एक और चीज, आप काफी तगड़ी लग सकती है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब क्लिक करो, काफी मजा आएगा आपको।